अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें कि वर्ल्ड कप 2019 से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। एक अहम तरीन खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम में पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आप दोस्तों को मिलती रहे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वर्ल्ड कप से कबल कौमी ऑलराउंडर इमाद वसीम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लाहौर में बहाली प्रोग्राम के दौरान घुटने की तकलीफ का शिकार हो गए हैं इमाद वसीम। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड कप से पहले कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को फिटनेस मसाइल का सामना दरपेश है। ऑलराउंडर इमाद वसीम ये जो टेस्ट की तैयारी के दौरान घुटने में तकलीफ का शिकार हो गया है। ज़राए के मुताबिक इमाद वसीम नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मामन फर्जीशन के ज़ैर निगरानी घुटने की तकलीफ को दूर करने का काम करेंगे। ताहम इमाद वसीम को वर्ल्ड कप में शमूलियत फिटनेस से मशरूत हो गई है। इनकी मुश्किलात में इसलिए इजाफा हो गया क्योंकि 15 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट में इनकी शिरकत मशकूक हो गई है। कौमी खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 15 और 16 अप्रैल को शेड्यूल हैं, जबकि वर्ल्ड कप के लिए हतमी टीम का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। तो दोस्तों, ये थी ताज़ा तरीन न्यूज़ जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें, इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।